রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার আগে বিদায়ী রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী একান্ত সাক্ষাৎকারে কি জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সন্দীপ সরকারকে আসুন শুনে নিই। 7:40 এর কালকা মেলে এই মুহূর্তে রাজ্য ছাড়ছেন বিদায়ী রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী। স্যার, বঙ্গাল সে ক্যা মেমোরি লেকে যা রহে? বঙ্গাল সে বহুত আচ্ছি মেমোরি লেকে যা রহা হো। হামারে অনুভব তো খট্টে মিঠে দোনো রহে, লেকিন মিঠে অনুভব জ্যাদা রহে। बंगाल ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत स्नेह दिया और विशेषकर साहित्यिक क्षेत्र में तो बहुत ही मेरा आदर किया गया, बहुत ही सम्मान किया गया, तो बहुत ही अच्छी मेमोरी लेके जा रहा हूँ। जब कोई भी सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनेगी, उनके नेताओं से बात भी नहीं करेगी, तो राजभवन सेफ्टी वॉल्व की तरह रहता है। और वो केवल बीजेपी नहीं, मेरे पास सब दल के लोग आते थे, कांग्रेस के भी, सीपीएम के भी, फॉरवर्ड ब्लॉक के भी, और इसके साथ साथ तमाम एनजीओज और तमाम और संस्थाओं के लोग आते थे। मैं सबकी शिकायत सुनता था और जो वो ज्ञापन देते थे उसको मैं राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई भेज देता था। तो एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि राजभवन कोई बंद किला नहीं है, राजभवन सबके लिए है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजभवन पहुँचने की सबको आज़ादी है, सब लोग आते हैं, मिलते हैं, राजभवन सेफ्टी वॉल्व है। धर्म तो राजनीति के साथ हर जगह हो जाता है, लेकिन धर्म के, शुद्ध धर्म के आधार पर राजनीति जो है वो कभी कभी नुकसानदेह हो जाती है, उसका अर्थ लोग गलत लगा लेते हैं। धार्मिक सौहार्द स्थापित करना ये भी राजनीति का एक लक्ष्य है। धर्म के आधार पर कहीं भेदभाव ना हो यह भी राजनीति का एक लक्ष्य है। तो राजनीति तो सबके साथ समान व्यवहार करने के लिए होती है। हाँ, हिंसा है और हिंसा के प्रति मैंने चिंता प्रकट की है और ये अनुरोध किया है आम जनता से भी और सभी संबंधित लोगों से भी कि हिंसा को समाप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टि से विचार करके सक्रिय सहयोग दें। अब सरकार कार्रवाई करे न करे उनकी बात है, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी कि हिंसा की मैं निंदा करता हूँ और हिंसा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बंगाल में यद्यपि सरकार ने तीन तीन बिजनेस मीट की है, लेकिन जितना परिणाम उसका सामने आना चाहिए वो परिणाम तो कुछ समय के बाद दिखाई पड़ेगा। सिंगूर के कारण हानि हुई है, लेकिन धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि वो हानि दूर हो जाएगी।